सो हेलो दोस्तों, अतुल कुमार इज हियर एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। सो समबडी हैव आस्क्ड मी इन द कमेंट सेक्शन अबाउट द रूम रेंट एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो अगर आप CHP में पढ़ते हैं तो वहाँ पे रहने का आपका कितना खर्चा आ सकता है महीने का, तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो प्लीज वॉच टिल एंड। तो यार, सबसे पहले मैं आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लोकेशन बता देता हूँ गूगल मैप के ऊपर। तो जैसा कि आप ये लोकेशन देख सकते हैं, तो इसके आसपास रूम कहाँ पे है ये मैं आपको गूगल मैप पे दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ आप जो है रूम देख सकते हैं। तो आपको जो इस पॉइंट पे आना है और ये जो रोड जा रहा है आपको, इसके अंदर जो है काफी सारे रूम्स आपको जो देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं रूम के रेंट की बात करूँ तो आपको अराउंड 1500 to 2000 अगर आप जो सिंगल अकेले रहना चाहते हैं रूम में तो आपको मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप शेयरिंग रूम ढूंढेंगे तो आपको 1000 पर रूम भी मिल जाएगा या फिर उससे कम आप देख सकते हैं। वहीं पर अगर मैं आपको खाने की बात करूँ तो आप चाहे तो अलग से टिफिन लगवा सकते हैं या फिर आप जो है खुद भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे जो खुद खाना बनाने का झंझट नहीं पालना चाहते, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको अलग से गैस लेनी पड़ेगी, सिलेंडर लेना पड़ेगा, आपको अलग से सामान लेना पड़ेगा। अगर आप बाहर से पढ़ने आए हैं तो ये सब चीज़ें आप कब पढ़ेंगे, कब खाना बनाएंगे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो आप कर लें, अदरवाइज आप जो वहाँ पे PG दे सकते हैं। तो गूगल मैप के ऊपर ये लोकेशन जो आपको दिखाई दे रही, तो यहाँ पे आप पता कर सकते हैं अगर आपको मिल जाए। यहाँ पे आपको खाना और रूम्स जो दोनों अवेलेबल हो जाएंगे, साथ यहाँ पे भी हो जाएंगे, लेकिन खाना जो मैं इस जगह का बता सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा होता है। तो ये जो आपको लोकेशन दिखाई दे रही है जो यूनिवर्सिटी के पास है, यहाँ पे भी आप पता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ का टेस्ट कैसा होगा मैं बिल्कुल भी बता नहीं सकता। वैसे अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर PGs में जो खाना मिलता है वो उतना अच्छा नहीं होता जो कि आपको जनरली घर में मिलता है। तो ये आप जो है एक बात दिमाग में रखें, अगर आपको अच्छा मतलब ठीक ठाक आना चाहिए तो मैं आपको ये जो लोकेशन बता रहा हूँ यहाँ पे आप जो पता कर सकते हैं। अगर आपको मिल जाए तो अब यहाँ पे आप टिफिन भी लगवा सकते हैं। तो जो आपको कॉस्टिंग आएगी अराउंड 2500 to 3000 के बीच में या फिर 3500 के बीच में जो खाने की कॉस्ट, अगर आप जो 3 times लेंगे तो आपको कॉस्ट आ जाएगी। पर प्लेट की बात करूँ, अगर सिर्फ कभी खाना कभी नहीं खाना, तो आपको 50 rupees पर प्लेट जो आपको मिल सकती है वहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे कैंटीन भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको कैंटीन भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन वो उस लेवल की नहीं जितनी कि आपने TVs में देखी होगी। तो वहाँ पे भी आपको जो खाना मिल जाता है 30 rupees पर प्लेट, वहाँ पे आपको चाय वगैरह भी मिल जाती है 10 rupees की। तो अगर मैं ओवरऑल कॉस्टिंग की बात करूँ सिर्फ खाने और रूम की, तो आपको अराउंड 2000 का अगर हम रूम लगाएं और 3000 का, तो 5000 के अराउंड पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप शेयरिंग में रहते हैं तो आपको यही चीज़ जो है 3000 to 4000 के बीच में भी मिल जाएगी। इसके साथ साथ ही आप अगर आप जो कहीं पे बाहर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसके लिए पैसे चाहिए, अगर आपको बुक्स लेनी है उसके लिए पैसे चाहिए। वैसे तो लाइब्रेरी है लेकिन वहाँ पे लिमिटेड बुक्स मिलती हैं, तो बुक्स लेनी है आपको, पेन पेंसिल, जो भी आपका जो है इंपॉर्टेंट सामान है जो कि आपकी पढ़ाई के लिए चाहिए, तो उसके लिए आप 1000 rupees या 1000 and 1500 rupees लगा सकते हैं। टोटल अराउंड आपको 6 to 7000 का खर्चा आ जाएगा, ये आप मान के चलिए। तो अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं तो दो जगह आप जो घूम सकते हैं, दैट इज धर्मशाला एंड पालमपुर। तो धर्मशाला का व्लॉग जो मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ कुछ ही दिनों में, तो आपको कौन कौन सी जगह वहाँ पे देख सकते हैं वो वीडियो आप डेफिनेटली से चेकआउट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो यार, एक चीज़ मैं मिस कर गया था कि जो धर्मशाला में रूम्स की प्राइसिंग होगी वो एक्चुअल में थोड़ी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू शॉपर, क्योंकि धर्मशाला एक सिटी है। तो वहाँ पे आप मान लो कि 500-700 rupees जो आपको एक्स्ट्रा ही पे करने पड़ेंगे रूम्स के लिए इन धर्मशाला, और खाना भी थोड़ा सा कॉस्टली होगा, तो उस हिसाब से आप जो टोटल कॉस्टिंग में ऐड कर। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, धन्यवाद एंड जय हिंद।